चलिए बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ में सबसे पहले हमारे पास एक लिक्विड होता है जो कि होमोजीनस होता है, और उसमें जब हम लोग किसी लिक्विड में कोई स्फेरिकल बॉल को डालते हैं तो थोड़ी दूरी तक तो जब ये मूव करती है तो इसमें एक्सीलरेशन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, जीरो। तो जो हम लोग स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए पढ़ते हैं, या फिर यूँ कहें कि एक्सीलरेशन जब नहीं होता है तब के लिए पढ़ता है। चलिए तो सपोज़ कि हम लोगों ने इसको बॉल को यहाँ पे डाला, तो ये बॉल यहाँ पे होती होती इस सिचुएशन तक आई, और इस सिचुएशन के बाद जब ये यहाँ से आगे बढ़ी तो इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। तो उस केस में इफ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल, स्मॉल स्फेरिकल बॉल विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ परफेक्टली होमोजीनस मीडियम, ये जो लिया है हम लोगों ने परफेक्टली होमोजीनस विस्कस मीडियम लिया है, तो ये जो बॉल जब आगे मूव करेगी तो अब ये जो लिक्विड है ये लिक्विड इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं हम लोग विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, अब ये विस्कस फोर्स कितना होगा, तो स्टोक्स लॉ जो है वो हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। तो विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। आर क्या है, इसकी जो रेडियस है, ये जो हमने स्फेरिकल बॉल ली है इसकी रेडियस। फिर यहाँ पे है ईटा, ईटा मीन्स कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे जो हम लोग लिक्विड लेते हैं उसका कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, जैसे अगर हम लोग वाटर लें तो उसका कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगा, अगर हम लोगों ने ग्लिसरीन ले लिया तो उसका कॉफिशियंट, या ऑयल ले लिया, तो सभी के लिए ये चेंज होता रहता है। और दूसरा वेलोसिटी, अगर ये लिक्विड की वेलोसिटी चेंज होगी तो ये जो विस्कस फोर्स है ये भी चेंज होगा। जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक कॉन्स्टेंट जिसको नाम देते हैं हम लोग 6 पाई, और रिलेशन हो जाता है ईटा आर वी। ये ईटा आर वी तो एज इट इज है, और पाई जब भी स्फेरिकल थिंग्स की बात करते हैं हम लोग तो वहां पे पाई मेंशन होता ही है। तो ये है स्टोक्स लॉ।